नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पचमेड़ा में मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी हुई तो वहां मौजूदा महिला घर के बाहर रखे करफ में आग लगाकर कूद गई। महिला को कूदते देखा मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों ने उसे बचाया। ये देख जनता बेकाबू हो गई और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। वहीं तहसीलदार भूमिजा सक्सेना को भी घंटों तक बंधक बनाए रखा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल और अधिकारी पहुंचे। तब जाकर लोग शांत हुए और घायल महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। उसमें जो एक महिला थी वो अपने घर को बचाने के चक्कर में जो है खुद पे आग उन्होंने लगा दी है। महिला अभी अस्पताल में एडमिट है। अच्छी बात यह है कि वो अभी स्टेबल है, हालांकि काफ़ी बुरी तरह से वो जख्मी हो गई है, लेकिन उनको बेस्ट से बेस्ट इलाज देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसमें पूरी तरीके से जुटा हुआ है। हमारे सारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं ताकि उस महिला की जान हम बचा सकें। और इसके अलावा तात्कालिक सहायता वहाँ पर हम लोगों ने रेड क्रॉस से इनके जो हस्बैंड है राम अवतार जी उनको दिया गया है। वहाँ हम पहुँचे थे, वहाँ आग लग चुकी थी। उनको हमने बोला कि चलो आप चलो, तो इनके जो लोग थे वो आने नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एसपी साहब ने बोले, सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको अंदर एम्बुलेंस में लिया। बाकी पब्लिक थी वो अंदर ही नहीं ले रही थी। उसको लेके हम तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके आते। मुरैना से ब्यूरो रिपोर्ट।